हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सर्फाइस। तो हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे हमारा इंडियन आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की सीरीज का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है यूनेस्को लिस्ट ऑफ इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। तो शुरू करने से पहले डू सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द रेगुलर अपडेट्स। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन बताया जाए, तो इंट्रोडक्शन में बात यह है कि जो टर्म होता है ना कल्चरल हेरिटेज का, है ना, ये कंसिडरेबली चेंज होता आया है पुराने जितने डिकेड्स आए हैं उसमें। पार्शली देखिए इंस्ट्रूमेंट हैं कुछ यूनेस्को के द्वारा डेवलप करे गए हैं। तो देखिए कल्चरल हेरिटेज जो है ना वो एंड नहीं करता मॉन्यूमेंट्स पे ही, है ना। आप समझ रहे हो कि मतलब जो है सिर्फ मॉन्यूमेंट्स ही नहीं है कि कल्चरल साइट्स हैं वो, है ना, और या कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ही नहीं है कि वो कल्चरल साइट्स हैं, है ना। इसमें आपका ट्रेडिशंस भी आता है, लिविंग एक्सप्रेशन भी आते हैं जो कि आपने एंसेस्टर्स से अपने लिए हैं, आते गए हैं, इनहेरिटेड होते गए हैं, और हम अपने डिसेंडेंट्स को पास भी करते जाएंगे वो सारी चीज़ें, है ना। जैसे कि आपका ओरल ट्रेडिशन कोई भी हुआ, परफॉर्मिंग आर्ट्स हुई, कोई सोशल प्रैक्टिस आप कर रहे हो, कोई रिचुअल आप कर रहे हो, कोई फेस्टिव इवेंट्स कर रहे हो, नॉलेज आपकी कोई है ना, या प्रैक्टिसेस हैं जो कि नेचर से कंसर्न है, या फिर यूनिवर्स से, या फिर नॉलेज है स्किल्स की प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ट्रेडिशनल क्राफ्ट वगैरह, तो ये सारी बातें भी आती हैं। तो देखिए यूनेस्को ने इस्टेब्लिश करी थी अपनी लिस्ट इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की, जिसका एम ये था कि भैया देखिए इंश्योर करना है इनको, यहाँ पे अच्छा सा प्रोटेक्शन देना है कई सारे इंपॉर्टेंट इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज को पूरे ही वर्ल्ड में, और देखिए अवेयरनेस वगैरह भी क्रिएट करनी है अपनी सिग्निफिकेंस के अनुसार। अच्छा, थ्रू एयर कॉम्पैंडियम ऑफ डिफरेंट ओरल एंड इंटेंजिबल ट्रेजर्स ऑफ ह्यूमन काइंड वर्ल्ड वाइड, जो प्रोग्राम है देखिए उसका एम ये है कि वो अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है, ठीक है, अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है टू द इम्पॉर्टेंट ऑफ सेफ गार्डिंग। कैसे आप सेफ गार्ड करोगे इनटेंजिबल हेरिटेज को, जो यूनेस्को आइडेंटिफाई करता है एक एसेंशियल कॉम्पोनेंट के तौर पे और एक रेपोजिटरी के तौर पे कल्चरल डाइवर्सिटी की और क्रिएटिव एक्सप्रेशन की। तो देखिए अब इनटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि वो सारी प्रैक्टिस, वो सारे रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन, नॉलेज, स्किल्स, एज वेल एज इंस्ट्रूमेंट, ऑब्जेक्ट, आर्टिफैक्ट जो कि एसोसिएटेड है देयर विद द कम्युनिटीज, या फिर ग्रुप्स से, या फिर इन कुछ केस में इंडिविजुअल से भी, है ना, और या रिकॉग्नाइज करे गए हैं इनको एक कल्चरल हेरिटेज के तौर पे। समझ गए आप। अब देखिए इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज क्या होता है, ठीक है। तो इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज की बात बताएं आपको, तो ट्रेडिशनल, कंटेम्प्रेरी एंड लिविंग एट द सेम टाइम। देखिए इनटेंजिबल जो कल्चर हेरिटेज होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है ना ही सिर्फ इनहेरिटेड ट्रेडिशन को, मतलब जो आप अपने एंसेस्टर से लेते हुए आ रहे हो, ना ही सिर्फ उनको जो पास से लेते आ रहे हो, बट साथ ही साथ कुछ कंटेम्प्रेरी रूरल और अर्बन प्रैक्टिसेस को भी जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जिसमें डाइवर्स कल्चरल ग्रुप्स जो है वो पार्ट लेते हैं, क्लियर है। इंक्लूसिव बताएं आपको, तो इंक्लूसिव में आपको बताएं तो हम एक्सप्रेशन वगैरह शेयर कर सकते हैं इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज के, जो कि सिमिलर होते हैं उन सारे से जो कि प्रैक्टिस करे जाते हैं दूसरों के द्वारा, है ना, वेदर दे आर फ्रॉम द नेबरिंग विलेज या फिर सिटी से हो, एक अप्रोप्रिएट साइट की किसी भी वर्ल्ड से, ठीक है, और या फिर अडॉप्ट करे गए हैं वो लोगों के द्वारा जो माइग्रेट करे हैं और सेटल करे हैं डिफरेंट रीजन में, ठीक है। ये सारे के सारे जो है इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज हैं, और ये पास्ड हुए हैं फ्रॉम जनरेशन टू अनदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास हुए हैं, इनमें बस काफ़ी इवॉल्व हुआ है रिस्पॉन्स वगैरह भी अपने एनवायरनमेंट में, और देखिए ये कॉन्ट्रीब्यूट भी करते हैं हमें एक सेंस दे के आइडेंटिटी का और कॉन्टिन्यूटी का, ठीक है, एक आइडेंटिटी का देते हैं, एक कॉन्टिन्यूटी जो चलते आ रही है उनका देते हैं, है ना, एक लिंक प्रोवाइड करते हैं हमारे पास्ट से अपने प्रेजेंट में, है ना। अब जैसे हमारे जैसे कि छठ पूजा होती है सपोज करिए, तो वो काफ़ी पुराने से चलती चली आ रही है, सब लोग अपने अपनी बहू को बता रहे हैं, फिर उनकी बहू उनको अपनी अपनी बहू को बता रही है, ठीक है। तो आते आते पास्ट से प्रेजेंट और प्रेजेंट से फ्यूचर तक ये ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज जो है वो कोई राइज नहीं देते कोई क्वेश्चन का कि भैया कि कुछ सर्टन प्रैक्टिसेस जो है वो स्पेसिफिक हैं इस किसी कल्चर के लिए, ऐसी बात नहीं है। ये कंट्रीब्यूट करते हैं सोशल कोहेजन में, इनकरेज करते हैं सेंस आइडेंटिटी का और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, जिसकी मदद से क्या होता है कि ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को कि ये एक पार्ट मतलब अपने आप को एक समाज का हिस्सा समझें, या फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ का, या जो है वो फील करें पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एट अ लार्ज। जैसे कि मान लीजिए कि अबे मैंने आपको बताया ना छठ पूजा हो रही है, तो छठ पूजा बिहारियों के बीच में होती है, तो वो क्या समझते हैं कि सारे बिहारी ये चीज़ करने हैं, है ना। ऐसे बहुत सारी स्टेट में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो ये एक सारे लोग जो है वो क्या समझते हैं कि मैं एक पार्ट हूँ इस प्रॉपर कल्चरल साइट का या सोशल एक गैदरिंग का, ग्रुप का, समझ रहे हैं। फिर रिप्रेजेंटेटिव के बारे में बताऊं तो देखिए जो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज होता है ये मेरली सिर्फ वैल्यू नहीं करा जाता एक कल्चरल गुड के तौर पे,
कॉम्पिटेटिव बेसिस पे, अपने एक्सक्लूसिवली या फिर एक्सेप्शनल वैल्यू की वजह से, बल्कि ये जो है बेसिस भी डालता है कम्युनिटीज पे, और डिपेंड उन पे भी करता है जिनकी नॉलेज जो ट्रेडिशन पे है, स्किल्स पे है, कस्टम्स पे है, वो पास्ड होती है बाकी सारी कम्युनिटी को, जनरेशन से जनरेशन में, या फिर दूसरी कम्युनिटी को भी। समझ रहे हैं? मतलब बहुत सारी बार ऐसा होता है कि किसी को देख के किसी ने कोई चीज मनाना शुरू कर दिया, ठीक है, तो वो सारी बातें जो है वो ये वाली बातें भी ये पास हो सकती हैं। फिर किसी की नॉलेज है, कोई भी चीज़ है, ठीक है, तो वो उसने अपनी जनरेशन को पास करी, वो जनरेशन से किसी और कम्युनिटी में भी जा सकती है, ये सारी बातें। अब अगर हम कम्युनिटी बेस्ड आपको समझाएं, तो इनटेंजिबल कल्चर हेरिटेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ हेरिटेज हो सकते हैं जब ये रिकोगनाइज करे जाए एक कम्युनिटीज के द्वारा। तो ये कौन से होगा? ये कम्युनिटी बेस वाले हो गए, किसी कम्युनिटीज के द्वारा रिकोगनाइज करे जाए, ग्रुप्स के द्वारा या इंडिविजुअल के द्वारा रिकोगनाइज करे जाए, जो कि क्रिएट करें, मेंटेन करें और इन्हें ट्रांसमिट करते रहे बिना किसी रिकोगनीशन के, ठीक है। कोई और दूसरा डिसाइड नहीं कर सकता उनके लिए, या एक्सप्रेशन वगैरह नहीं दे सकता, प्रैक्टिस नहीं कर सकता उनके हेरिटेज की। क्लियर है? एज ऑफ 2010 जो प्रोग्राम है वो दो लिस्ट में कंबाइंड हुआ है, दो लिस्ट में कंबाइंड हुआ है। पहली लिस्ट जो है वो है रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ द इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ द ह्यूमैनिटी, ठीक है, ये वाली पहली लिस्ट ये है, तो सबसे पहले ये बात करेंगे। और दूसरी लिस्ट जो है वो है लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज इन नीड ऑफ अर्जेंट सेफगार्डिंग, ठीक है। तो देखिए, जो पहली वाली लिस्ट है, मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की, तो इसमें आपको कल्चरल प्रैक्टिसेस देखने को मिलेंगे, एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे, जो कि हेल्प करते हैं डिमॉन्स्ट्रेट करने में डाइवर्सिटी उसके हेरिटेज की, और रेज करते हैं अवेयरनेस उसकी इंपॉर्टेंस के प्रति। और दूसरी वाली जो लिस्ट आपको बताई मैंने, है ना, तो उसमें क्या है कि उसमें ये कल्चरल एलिमेंट से कंपोज है, जो कि कम्युनिटीज से कंसर्न है, कंट्रीज से कंसिडर है, और माना जा रहा है कि वल्नरेबल है ये, और अर्जेंट मेजर्स है इनको अलाइव रखने के लिए। चलिए हम पहले वाले की बात करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की। तो देखिए, इसमें करीब इंडिया के पास कुछ 10 इंटेंजिबल हैं इस रिप्रेजेंटेशन लिस्ट में, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी की। तो सबसे पहले बात करेंगे हम कूडिया दत्तम की, है ना, ये संस्कृत थिएटर है, इसको 2008 में इंक्लूड करा गया था। ये कंबाइंड डांस और ड्रामा है जो कि कंडक्ट करा जाता है चकयार्स के द्वारा, जो कि एक सब कास्ट है हिंदू के बीच में, ठीक है, एक जिसमें क्या होता है, हु प्ले द मेल कास्ट ट्रेडिशनली इन द स्टेट ऑफ केरला। एक जो औरत होती है नाम्बियार कास्ट की, वो प्ले करती है फीमेल रोल, परफॉर्मेंस जो है वो लास्ट करती है 6 से लेके 20 दिनों तक के लिए। ये मेनली इनैक्ट होते हैं इनसाइड द टेम्पल, और थीम जो है वो बेस्ड होता है हिंदू माइथोलॉजी पे। क्लियर है? जो कैरेक्टर होता है विदु शका का, वो एक्सप्लेन करता है सिंपल मलयालम द बैकग्राउंड ऑफ अ स्टोरी, और देता है एक लाइव इमेज कैरेक्टर्स को माइंड्स में ऑडियंसेस की। जो सारे ही दूसरे कैरेक्टर्स होते हैं वो परफॉर्म करते हैं यूज करके संस्कृत लैंग्वेज को। अब मिजहासू जो है वो मेजर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे यूज करा जाता है। उसके बाद बात करेंगे रामलीला की, है ना, इसको 2008 में इंक्लूड करा गया था। ये काफी पॉपुलर फोक थिएटर है हमारे उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसका इनैक्टमेंट हुआ था, इनैक्टमेंट जो होता है रामायण का यूज करके, सॉन्ग्स वगैरह, डांसेस, डायलॉग्स वगैरह कई सारे होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड बिफोर दशहरा, दशहरा के पीरियड के पहले ये परफॉर्म करा जाता है। इसको जनरली परफॉर्म करते हैं मेल एक्टर्स, जो कि सीता वगैरह का रोल भी निभा लेते हैं। ये जो प्ले है वो हर साल एनुअली जो है स्टेज कराया जाता है 10 से ज्यादा सक्सेसिव नाइट्स के लिए, है ना, ड्यूरिंग द ऑस्पिशियस पीरियड ऑफ, जिसे कहते हैं शरद नवरात्रास के टाइम पे, है ना, जाड़े वाली नवरात्र आती है उसमें, मतलब जो जिसके बाद दिवाली आती है, मोस्टली उस समय होता है, मोस्टली क्या उसी समय होता है। दूसरा एक यूनिक रामलीला जो है वो स्टेज कराता है सिंस 1972 एट बख्शी का तालाब, जो कि लखनऊ के पास है, जहाँ पे एक लीड कैरेक्टर जैसे कि राम, लक्ष्मण और हनुमान वगैरह प्ले करे जाते हैं मुस्लिम यूथ के द्वारा। एक क्लियर डिपार्चर इस रीजन में कहते हैं कम्युनल फ्लेयरअप्स को। ये जो प्ले है ये देखिए, ये जो है अडाप्ट करा, मतलब दिस प्ले हैज ऑल्सो बीन अडाप्टेड इन टू अ रेडियो प्ले उस गांव की रामलीला, है ना, ताकि प्रमोट करें वहाँ की कम्युनल हारमोनी अमंग द मासेस। उसके बाद बात करते हैं, चलिए तीसरे की, ट्रेडिशन इन वैदिक चैंटिंग, इसको 2008 में इंक्लूड करा गया था। ओरल ट्रेडिशन जो वेदास का था, इसमें आपका सेवरल पाठास वगैरह आते हैं, रेसिटेशंस वगैरह, या फिर वेज किस तरह से चैंटिंग करते हैं वैदिक मंत्रास की, ठीक है। ऐसे जो ट्रेडिशंस हैं वैदिक चैंट के, ये ऑफन कंसिडर करे जाते हैं ओल्डेस्ट और अनब्रोकन, मतलब पुराने हैं और बिना टूटे टाटे ओरल ट्रेडिशन चलता चला आ रहा है, अभी तक एग्जिस्टेंस में है। तो फिक्सेशन है वैदिक टेक्स्ट का, ये प्रिजर्व करा गया है डेटिंग थ्रू अर्ली आयरन एज से। यूनेस्को ने प्रोक्लेम करा है कि जो ट्रेडिशन है वैदिक चैंटिंग का, एक मास्टर पीस है ये ओरल और इनटेंजिबल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी का। उसके बाद बात करेंगे रम्मान, जिसको इंक्लूड करा गया था 2009 में। तो रिलीजियस फेस्टिवल है, रिचुअल थिएटर है गढ़वाल रीजन का, है ना, इसको सेलिब्रेट करा जाता है हिंदू कम्युनिटी के द्वारा सलूर
दुंगरा विलेजेस में पैनकंडा वैली के इन द चमोली डिस्ट्रिक्ट जो कि उत्तराखंड में है ना। विलेजेस जो है वो अपना ऑफरिंग्स वगैरह पे करते हैं, यहाँ के विलेज चीलू डीटी है ना, और भूमियाल देवता जिनको कहते हैं ये, मतलब जो है इन कहाँ पे करते हैं, कोर्टयार्ड में करते हैं विलेज के टेम्पल, मतलब विलेज टेम्पल के। ये फेस्टिवल काफी यूनिक है अपने विलेज में और ये परफॉर्म नहीं करा जाता कहीं और इन द हिमालयन रीजन, ठीक है, एंड इज नॉट परफॉर्म एनी वेयर एल्स इन द हिमालयन रीजन। जो पर्टिकुलर कास्ट या ग्रुप है उसके जो होस्ट हैं भूमियाल देवता ड्यूरिंग द, मतलब जो पर्टिकुलर कास्ट और ग्रुप होस्ट करता है भूमियाल देवता को ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ईयर, हर एक कास्ट और ऑक्यूपेशनल ग्रुप जो है उसका डिस्टिंग रोल है फेस्टिवल में। और एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी है वो है सिंगिंग ऑफ जगार, है ना, गाना गाते हैं जगार का, एक म्यूजिकल रेंडिशन है ये लोकल लेजेंड्स का, क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं मुड़ी येत्तु की तरफ, इसको 2010 में इंक्लूड करा गया था और एक ट्रेडिशनल रिचुअल थिएटर है, मुदियत्तु कहते हैं इसको, ये एक फोक डांस है, ड्रामा है, परफॉर्म करते हैं केरला की स्टेट में। ये डिपेक्ट करता है माइथोलॉजिकल टेल बैटल की जो कि गॉडेस काली और डेमन दरिका के बीच में हुई थी। डांस को परफॉर्म करा जाता है विलेज टेम्पल्स में जिसे भगवती करूस कहते हैं, फरवरी से लेकर मई के बीच में ये करा जाता है जब हार्वेस्टिंग सीजन हो जाता है। परफॉर्मेंस जो है वो काफी हैवी मेकअप करते हैं और गॉर्जियस सारे मतलब जबरदस्त सा एकदम अटायर पहनते हैं जिसमें ये कन्वेंशनल फेशियल पेंटिंग भी होती है, टॉल हेडगियर पहनते हैं एक्सेट्रा वगैरह, ताकि इसमें टच दे सुपर नेचुरल का। उसके बाद आपका म्यूचुअल कोऑपरेशन और कलेक्टिव पार्टिसिपेशन जो है हर एक कास्ट का इस रिचुअल में वो भी मजबूत बनाता है हमारी कम्युनिटी की आइडेंटिटी और बॉन्डिंग को। उसके बाद देखिए यहाँ पे कल बेलिया है ना, कल बेलिया को इंक्लूड करा गया था करीब 2010 की बात है। परफॉर्म करती है ये ट्राइब सेम नेम की इन द स्टेट ऑफ राजस्थान, है ना। कलबेलिया डांस जो है, डांस मूवमेंट जो है वो रिजेंबल करते हैं दैट ऑफ अ सरपेंट। पहले क्या था कि कलबेलिया ट्राइब जो थी वो जानी जाती थी अपने फ्रीक्वेंट मूवमेंट के लिए, जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी एक्सपर्ट थी, और उनका जो ऑक्यूपेशन था ये लोग सांप वगैरह को पकड़ लेते थे और ट्रेडिंग करते थे सांप के जहर की, स्नेक वेनम की, है ना। इसलिए जो है फिर सॉन्ग्स को जो है बेस्ड है ये माइथोलॉजी पे, और ये इसमें इन्वॉल्व होता है कंपोजिंग लिरिक्स वगैरह स्पॉन्टेनियसली और इम्प्रोवाइजिंग सॉन्ग ड्यूरिंग परफॉर्मेंस। उसके बाद समझिए छाऊ की बात करते हैं यहाँ पे, इसको 2010 में इंक्लूड करा गया था। एक ट्राइबल मार्शल आर्ट डांस है जिसको परफॉर्म कराया था मेनली उड़ीसा, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। यहाँ पे तीन तरह के सब जेनियर्स हैं इस डांस के जो कि बेस्ड है ऑन द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। जैसे कि पहला है आपका पुरुलिया छाऊ, कहाँ पे है ये, वेस्ट बंगाल का है। फिर आपका सरायकेला छाऊ आपको झारखंड में मिलेगा और मयूर भंज छाऊ आपको उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। डांस मेनली परफॉर्म करते हैं ड्यूरिंग द स्प्रिंग फेस्टिवल एंड करीब 13 दिनों के लिए ये लास्ट करता है, और जो पूरी कम्युनिटी है के पार्टिसिपेंट है इसमें, मतलब वही सारे पार्टिसिपेट भी करते हैं। डांस परफॉर्म कराया जाता है मेल डांसर्स के द्वारा ड्यूरिंग नाइट टाइम एट द ओपन स्पेस, है ना। ये ब्लेंड है दोनों ही डांस का और मार्शल प्रैक्टिस का, इम्प्लॉइंग मॉक कम्बैट इसमें होता है टेक्निक वगैरह। जो थीम है छाऊ डांस की वो बेस्ड है हिंदू माइथोलॉजी पे। मास्क जो है वो पहना जाता है डांसर्स के द्वारा ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस एक्सेप्ट फॉर मयूर भंछाओ, ठीक है। मयूर भंछाओ जो कि उड़ीसा का है उसमें सिर्फ मास्क नहीं पहनते, बाकी सब में पहनते हैं। उसके बाद समझिए बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, इसको 2012 में इंक्लूड करा गया था। ये रेसिटेशन है, मतलब पढ़ना है सैक्रेड बुद्धिस्ट टेक्स्ट का ट्रांस हिमालयन लद्दाख रीजन में जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में, क्लियर है। उसके बाद बात करेंगे इसके संकीर्तना को 2013 में इंक्लूड करा गया था। तो संकीर्तना एक रिचुअल सिंगिंग है, ड्रमिंग है और डांसिंग आर्ट फॉर्म है हमारे मणिपुर का। ये जो आर्ट फॉर्म है इसको परफॉर्म करा गया जाता है टू मार्क द रिलीजियस ओकेशंस एंड वेरियस स्टेजेस इन द लाइफ ऑफ मणिपुरी वैष्णवतीज। प्रैक्टिस करा जाता है टेम्पल्स में। परफॉर्मर्स जो है यहाँ पे नरेट करते हैं लाइफ और डीड्स लॉर्ड कृष्णा की अपने सॉन्ग्स और डांसेस के माध्यम से। संकीर्तना लेकर आता है सारे लोगों को एक साथ फेस्टिव ओकेशंस पे और री इन्फोर्स करता है रिलेशनशिप जो कि इंडिविजुअल और कम्युनिटी के बीच में है, कैसे, अपनी लाइफ साइकिल सेरेमनीज के माध्यम से। अच्छा, एक टिपिकल संस्कीर्तना परफॉर्मेंस में 2 ड्रमर मिलेंगे आपको, 10 सिंगर या डांसर मिलेंगे, है ना। 10 सिंगर डांसर परफॉर्म करते हैं एक हॉल में डोमेस्टिक कोर्टयार्ड की जो कि इन सर्किल है डिवोटीज से। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मेनली यूज करे जाते हैं, जो करे जाते हैं वो है क्रिम्बल्स और ड्रम्स, क्लियर है। फिर आपका जो नेक्स्ट है फिर है ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स मेकिंग द थिएटर, वो थिएटर क्या है, सॉरी, मेकिंग अमंग द थाठेरास ऑफ
जनदीला गुरु इन पंजाब, इसको 2014 में इंक्लूड करा गया था। ठीक है, तो ये जो ओरल ट्रेडिशन है, इसको ये पास हुआ है जनरेशन से थाठेरा कम्युनिटी में। तो जो मेटल्स हैं वो पहले इनको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, फिर इसको माउल्ड करते हैं थिन प्लेट्स में, जिसके एक कर्व्ड शेप होता है। ठीक है, यूटेंसिल्स के पास फंक्शनल एज वेल एज रिचुअलिस्टिक पर्पज भी होता है। मेटल जो है यहाँ पे जो यूज़ करते हैं वो होता है आपका ब्रास, वो आपका जो है कॉपर और आपका कंसा। कंसा को क्या कहते हैं, अलॉय होता है, एक जिंक का, टिन का और कॉपर का। ये जो है रिकमेंड करा जाता है मेडिसिनल पर्पसेस के लिए, कई सारे आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी है ना। इसको पैटनाइज करा गया है और इनक्रेज भी करा गया है महाराजा रणजीत सिंह के द्वारा 19th सेंचुरी में। यूटेंसिल्स जो है वो वाइड वैरायटी होते हैं, लाइक दोज जो कि हाउस होल्ड में यूज़ करते हैं, कम्युनिटी किचन, लंगर वगैरह में यूज़ करते हैं, है ना, सिख गुरुद्वारास में। ठीक है, वो ये एक मिनट देख लीजिए, यहाँ पे कुछ इस तरह से है ना, इस तरह से एक बड़ा सपोर्ट समझ लीजिए। ठीक है, अब देखिए आखिरी में, नहीं आखिरी में नहीं, सेकेंड लास्ट है नवरोज, इसको 2016 में इंक्लूड करा गया था। ये इंडिकेट करता है बिगनिंग न्यू ईयर की पारसीज के लिए, है ना, और साथ ही साथ ही सेलिब्रेट करा गया है एज स्प्रिंग फेस्टिवल बाय द कश्मीरी कम्युनिटी। ये डिनोट करता है जोरास्ट्रियन रिस्पेक्ट को फॉर द एनवायरनमेंट। इस फेस्टिवल में यहाँ पे जो है वो कस्टम होता है कि भैया ले डाउन करना है टेबल पे और प्लेस करना है कॉपी गथास की, है ना, लैम्प को जलाना है, कैंडल को जलाना है, एक शैलो सिरेमिक प्लेट को रखना है विद स्प्राउटेड ही वीट एंड बीन्स, है ना, एक स्प्राउट्स रखने हैं उसके अंदर वीट और बीन्स के, और एक छोटे बाउल में जो है वो सिल्वर का कॉइल रखना है, फ्लावर्स, पेंटेड एग्स रखने हैं, स्वीट्स वगैरह रखनी है, एंड एक बोल ऑफ वाटर जिसमें कि गोल्ड फिश होती है उसको रखना है ना। ये सारी चीज़ें सिग्निफाई करती हैं प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, कलर और स्वीटनेस और हैप्पीनेस को। क्लियर है। और आखिरी में हम योगा, जो 2016 में इंक्लूड करवाया गया था, इसमें सीरीज है पोजेस की आपकी मेडिटेशन की, जो कि कंट्रोल करना ब्रीदिंग को, है ना, वर्ल्ड चैंटिंग को, दूसरे कुछ टेक्निक्स भी जो कि हेल्प करती हैं किसी भी इंसान को अपना सेल्फ रियलाइजेशन बिल्ड करने के लिए। ट्रेडिशनली इसको ट्रांसमिट करा गया था गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन का आंसर प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म्स डिपिक्ट माथोलॉजिकल बैटल बिटवीन गॉडेस काली एंड डेमन दरिका, बताइए, कुदियत्तम है, रम्मान है, मुदियत्तु है या संकीर्तना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, ये मेरे लिए एक तरह से प्रोटीन का काम करता है। शेयर करिए दोस्तों के साथ में, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ये वीडियो अगर आपको फेसबुक पे देखनी है तो प्लीज़ सिर्फ आईएएस के नाम से पेज है, जाके आप जरूर देख सकते हैं। और अगर आपको इसको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो वो भी सिर्फ आईएएस के नाम से है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वेरी 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 नाइस डे।